एक बार की बात, एक बड़े शहर में कहीं दूर देश से एक चित्रकार आता है। अपने देश में उस चित्रकार को उसके काम में प्रोफेशन के लिए जाना जाता है, यानी कि उसके देश के लोगों के हिसाब से वह चित्रकार अपने काम में कोई भी गलती नहीं करता है। मगर चित्रकार के मन में होता है कि मेरे देश के लोग मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वह मेरे काम में कमियां नहीं निकलते। अगर लोग कमियां नहीं निकालेंगे ही नहीं, तो मैं उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाऊंगा? बस यही सोचकर वह चित्रकार अपने एक करीबी मित्र के साथ किसी और देश में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए चला आता है। उस देश के एक शहर में वह एक बहुत सुंदर और बहुत बारीकी से बनाई हुई अपनी बेहतरीन चित्रों में से एक चित्र को ऐसी जगह रख देता है जहां बहुत लोगों की आवाजाही होती है, और उसके नीचे लिख देता है कि जिसको भी इस चित्र में जहां भी कमी नज़र आए वहां पर मार्किंग कर दे, और वहां से चला जाता है। अगले दिन वह चित्रकार अपने मित्र के साथ उस जगह पर आता है यह देखने के लिए कि उसके चित्र पर कितने मार्किंग लोगों ने किया है। लेकिन वह देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसका चित्र वो चित्र नहीं रहा जो उसने रखा था, बल्कि सैकड़ों मार्किंग किया हुआ एक भद्दा चित्र बन चुका होता है। वो बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है शायद वह उस लायक ही नहीं है जितना उसके देश के लोग उसे प्यार करते हैं। उसके काम में बहुत कमियां हैं। उसको इस तरह से निराश देख उसका मित्र उसको एक सलाह देता है कि तुम दोबारा से एक अच्छा चित्र यहाँ पर रख दो, और इस बार लोगों के लिए लिखो कि जिसको जो कमी उसमें दिखाई दे वह उसे ठीक कर दे। चित्रकार ने अपने मित्र की बात मानते हुए अपनी एक और बेहतरीन चित्र को उसी जगह पर रख दिया, और वैसे ही लिखा जैसे मित्र ने कहा था, और वहां से चला गया। अगले दिन जब चित्रकार उसी जगह पहुंचा तो वो और ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसके चित्र में इस बार एक रत्ती भर का बदलाव भी नहीं हुआ था। उसे यह समझ में आ गया कि लोगों के दूसरों में गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हीं गलतियों को सही करने का काम बहुत कठिन होता है, और ऐसे काम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता है। कहानी से सीख मिलती है दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में दूसरों के कामों में या दूसरों के जीवन में कमियां निकालने से बेहतर है कि किसी क्रिएटिव काम में अपना समय और दिमाग लगाना चाहिए। और अगर कोई हमें या हमारे काम में कमियां निकलता भी है तो हमें उससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए।